नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो जनता शो में। आज हम पहुंचे हैं रोहतक के देवीलाल पार्क में। आज हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कुछ राजनीति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी जनता के सवाल हैं। मतलब आपका क्या कहना है कि खट्टर सरकार दोबारा आओगी कि ना आओगी? नहीं आओगी, ये तो फेल हो चुकी है। अभी मैं चार घंटे टीवी के ऊपर बैठता हूँ और चार घंटे अखबार पढ़ता हूँ। इसकी सीट ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25, ये मेरा असेसमेंट है। ठीक है जी अंकल, आप बताओ कितनी सीट हरियाणा विधानसभा की? आप बताओ। 90। 100 आऊंगी इनकी। 90 में? 90 में तो कितनी आऊंगी? 100 आऊंगी। 100 वो किस तरिया? 10 राज्यसभा की। विधानसभा की बताओ ना। विधानसभा आए तो राज्यसभा में जाओगे। 15 बोल फेरे ओ लोकसभा की कहनी थी, मैंने गलती तो कह गया। ठीक है, 90 10 100 आऊंगी इनकी। आप बताओ खट्टर सरकार आए पाचा है, रोहतक विकास बढ़िया है कि कम हुआ है? रोहतक का विकास तो घटिया है खट्टर सरकार आए पाचे। मारिया देवीलाल पार्क तो समरी है भाई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा तो बैठे हमारे सारे चानने में ना दंधेरा रहा कर दाड़। खट्टर सरकार आए पाचा हरियाणा विकास में कितना सरकार आए पाचा? पारदर्शिता जरूर आई है, इतनी बात पक्की है। पारदर्शिता ये तो फिर तो या तो अच्छी बात है। पिछली बार सरकार होया करती थी, अच्छी सरकार है भाई, मुंडी नहीं है। इब जो इब एग्जाम हुए थे, इब इनके सेंटर डाल रखे थे दूर दूर। हाँ दूर दूर, गलत बात तो वो गलत थी, सही थी? गलत थी जमा। अरे और आगे सुन लो, जाइयो हाल रहा है ना, सारी यूनिवर्सिटियाँ पेपर तो इंदौर होया करेंगे, एच टेट इनके शिमला होया करेंगे, हरियाणा में कोई सेंटर नहीं रहे इनका। हरियाणा में तो जो है ना सारे जो नकल करवाए हैं, सारे जो है ना पेपर लीक करे हैं। रोहतक तो गढ़ है, रोहतक सोनीपत में कोई सेंटर था इनका? कल सोनीपत में कोई सेंटर ना था? कोई नहीं था। क्यों नहीं था? रोहतक बदनाम, रोहतक जो है ना जाटा गढ़, एंटी जाटिया सरकार, प्लस 35 एक कोड कर दिए, जाट एक कोड कर दिए, जब तो 100 सीट आऊंगी इनकी। तो आप नाराज हो कि इनके खिलाफ हो कि इनके साथ हो? हमने जो बात कहनी वह कह दी। जब तक खट्टर सरकार आई है, आपका क्या कहना है रोहतक में जो विकास है वो पहले ज्यादा हो गया कि कम हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले था वो खड्डा भरने के ऊपर सरकार आई थी, 5 साल से वो खड्डे नहीं भरे गए, रोड बनाने की तो बात दूर है। और अब जो मोदी जी ने एक नारा दिया था रोहतक में जब रैली हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें हरियाणा में 75+ सीट ले आवाएंगे, तो यह बात कितनी खरी लागत है कितनी ना लागती? देखो ये मोदी जी कुछ ही बोल सके हैं, और इसका हम चाय कभी चाय पकौड़े वाला बन जाए, कभी पीछे चौकीदार बन गया था, अभी हाउडी मोदी बन गए। हाउडी का मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो हाउडी क्या कर दे क्या बोल दे वो कुछ नहीं है। हरियाणा के समीकरण अलग हैं, हरियाणा की जनता का मूड इस बार बदलाव की तरफ है, और ख़ासकर सैनिकों का, और मैं सैनिक हूँ। और COD के बारे में जो नया रैंक शुरू किया आर्मी का, अब जो केंद्र में बैठे आदमी को फौजी हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनमें वो सारे सोचते होंगे भैया पोस्ट काटूँ कि ना काटूँ, बारह बैठ कर पार्क में बैठ कर मैं उसमें कोर्ट कार्ड लग जाऊँ के बरा किस ने लिया फैसला, वो तो को फौजी बताओगा। तो आप जो हरियाणा खट्टर सरकार है उस तक सहमत है कि नहीं है? हाँ कति मौज हो रही है खट्टर सरकार में, दो तो कूलर लाग रहे पानी के, अर्धे फुहारे चल लाग रहे, गाने चल लाग रहे, और जो ये आड़े बैठे ना ये जितने जो कह रहे हैं सब बातें, इनकी वोटों से नहीं सरकार आती है, नए युवा वर्ग की सरकार आती है। जितने बच्चे खड़े उनसे पूछ लो पीछे जाके, युवा पीढ़ी है 300 रुपये का 1 GB डाटा मिला करता, जिस बच्चे ने 3 रुपये का मिला है वो तो खट्टर की वोट देगा। वो तो अंबानी की वजह तो है ना, जियो आई जब है उसके बाद से पहले तो सब कुछ महंगा था। सरकार की नीत अच्छा, यहाँ सड़क पे एक्सीडेंट हो गया 2 बच्चों के लिए तो सरकार जिम्मेवार, और डाटा के लिए अंबानी जिम्मेवार। लेकिन वो तो प्राइवेट चीज़ होगी ना अंकल जी, ये तो सरकार की होगी। सरकार की पॉलिसी के बगैर कुछ नहीं होता भाई। दो बात आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट अंकल जी, है कि जो खट्टर है, जो खट्टर सरकार जब आई है, रोहतक के विकास में कोई फर्क आया? हाँ बढ़िया काम होने लग रहे हैं सारे के सारे, पार कम जिम लग गए रोहतक में। पहले ज़्यादा विकास था कि इब? अब ज़्यादा लगा। और अब पहले जो कह करते यार लगभग जनता का मानना कि खट्टर जो उड्डा सरकार थी उसमें रोहतक सोनीपत ज़्यादा निकले हैं, तो खट्टर सरकार में इन दो डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी कोई डिस्ट्रिक्ट में विकास हुआ? फेयर हुआ, फेयर सारे को हुआ।
हर जगह जींद गया था मैं, जींद वाले बताते बढ़िया काम हो रहा है, हमारा बाईपास लगड़ गया, पलाना हो गया। तो ये आप जो 75 प्लस कियान की कह रहे हैं, 75 का पक्का नहीं पता, 65 माना हम तो, 65 आ जाएंगे। हाँ आनी चाहिए, बाकी आड़े बैठे हुए आदमी तो नहीं आओगी, ये जो युवा वर्ग वोट देगा उससे आओगी। ऑनलाइन सब कुछ हो गया, पासपोर्ट घर बैठे बनने लग गया, ये चीज़ें हों कि जो नया पेंशन आया उसके बराबर हमारी पेंशन करो, तो उसकी पेंशन कम कर दी, तनख्वाह कम कर दी। मोदी ने तो वो काम कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अब वन रैंक वन पेंशन कौन मांगे बताइए, और दे दिया तो उसमें किसी को कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ अफसर अफसर को उसमें बेनिफिट होना, नीचे वालों को नहीं होना। करप्शन शिकार है, 10-12 हज़ार की नौकरी पे आपका सैनिक खड़ा इस देश में, जो 15 साल 20 साल सर्विस करके आया, और जो एक बंदूक पिस्टल से लेकर टैंक तोप तक चलाना जानता है, इतना स्किल्ड हमारी सेना का वो पदाधिकारी और सैनिक, एक पुलिस के डंडे वाले सिपाही के नीचे इसने एसपीओ बनाकर 10 हज़ार की टेम्परेरी सर्विस पे खड़ा कर दिया, देश के लिए डूब के मरने की बात है, कैसा प्रधानमंत्री है। तो अंकल जी अब एक रैंक और शुरू कर सीओडी रैंक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सीओडी तो कोई रैंक नहीं है। नहीं, एक बनाया है ना अब कि तीनों सेना का एक अलग। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस। जो चीफ ऑफ डिफेंस का कंसेप्ट हमारे पास पहले भी था, और पहले जो चीफ ऑफ सीओडी की जगह चीफ सीनियर माना जाता था तीनों सेनाओं का, जो आर्मी का चीफ होता था वही कंट्रोल करता था। बीच में इन्होंने लोकतंत्र के नाम से इन नेताओं ने उनको तोड़ दिया ताकि इनकी पावर डिवाइड हो जाए, इस डर के मारे कि ये जो डेली करप्शन नेता करते हैं कहीं पाकिस्तान की तरह आर्मी रूल ना हो जाए। बहुत देशों में जब करप्शन बढ़ जाता है तो कई बार 2-4 साल के लिए आर्मी रूल हमेशा लागू होता है ताकि कमांड एंड कंट्रोल आसान रहे, लड़ाई में फ़ायदा हो, कोई भी देश कभी भी आक्रमण कर सकता है। भाई मेरी एक दो शिकायत है, अगर आपके माध्यम से ये ऊपर तक चली जाए। बिल्कुल, आपने ये देखा होगा कि ये जो ना अभी टेस्ट हुए हैं क्लर्कों के और ये फौजियों के हैं जी, एयरफोर्स के, उसमें 17 जवान जो है ना वो जान दे चुके हैं अपनी। बिल्कुल, हाँ 10 तो दे चुके हैं, ये एक जो है ना ऑटो में एक्सीडेंट हुआ था, और 6-7 जो है ना वो ट्रेन से इस तरह से जो है ना वो अपनी हिसार में ट्रेन के नीचे आ गए थे, और कैथल में 2 बाइक पर आ गए थे। हाँ जी, बाइक पर भी आए थे 2 भाई। तो उनका अगर कोई ये समाधान कर सकें, कम से कम वो यूथ हैं, वो मर गए हैं आपके देश के, अगर वो फौज में चले जाते वहाँ शहीद होते तो आप सलूट मारते उनको, लेकिन वो तो जाए भी फौज के लिए थे, एक नेक नाम के जा रहे हैं, उनके लिए कम से कम जो है ना वो 1-1 करोड़ रुपए इन देने चाहिए। अगर एक डांस करने वाली औरत को अगर ये 29 लाख रुपए दे सके, मामाली ने डांस किया इधर, उसको 29 लाख रुपए 1 घंटे के जो डांस के दे दिए, और जो बच्चे मर रहे हैं हमारे नौजवान वो जो है ना उनकी कोई कीमत नहीं, वो देश के लिए जा रहे थे, उधर देश के लिए फौज में जा रहे थे, वो मर गए तो उनके माँ बाप जो रहे हैं, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहन है, उनके लिए तो कम से कम ये जो है ना वो उनको थोड़ा बहुत सहारा पहुँचाओ। इनमें जो बड़ी बड़ी बातें करने से सब समस्याओं का समाधान नहीं होता, और जो ये देश की जो इकोनॉमी नीचे जा रही है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्लर्क की भर्ती जो हरियाणा में हुई थी उसके बारे में कुछ? खैर भाई मुझे नहीं पता पेपर किस किस्म का था, लेकिन ये बच्चों को परेशान किया जा रहा है। रोहतक का बच्चा सिरसा पेपर देने जाए या पलवल जाए या पंचकूला जाए, ये बहुत बुरी बात है। बेरोजगार तो वैसे ही वो बच्चे कराया लवण वहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कराओ, नकल अगर कोई होती हो तो उसको रोक प्रशासन करे, प्रशासन करना चाहिए। और ये डाले है टीचरों की ड्यूटी लगा दे, एक टीचर जाएगा 50 बच्चा पेपर लेगा। हाँ उसका कि जो टीचर लगा वो होम टाउन के ना होगा, दूसरे टाउन तक दूसरे टाउन से टीचर लगा दे, बच्चों के 1,000 बच्चों का अंडा नहीं बजाए, 5 टीचर भेजो। नकल पर प्रशासन अपना ध्यान करे, हम नकल के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसे ये तो किराया वसूल रहे और कुछ नहीं है बस। अभी मैनू ने यह कहा था कि हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ जो है ना ये सेवंथ पे कमीशन का जो है ना वो सबको लाभ मिल चुका है, लेकिन जितने भी रिटायर्ड जो चाहे यूनिवर्सिटी के हैं चाहे मेडिकल के हैं, उनको किसी को ना तो जो है ना उनका
पेंशन बढ़ाया गया है, ना उनको सेवंथ पे कमीशन मिला गया है, ये बात उठा करके उनके कानों में डालिए। देखो तुम झूठ मत बोलो पब्लिक के सामने, हमने सबको सब कुछ दे दिया कि ये अभी यहाँ से जाने वाले हैं, तो कम से कम जो है ना और सपने मत दिखाओ। और आपने जो है ना वो 56 इंच का सीना आपने चले ठाट कर रही, तो भाई इनका इलाज करो, मेहरबानी होगी। विकास की बात, इस रोहतक में जो सेक्रेटेरिएट बनाया किसने बनाया, जो यूनिवर्सिटी बनाई वो किसने बनाई, जो मेडिकल बनाया वो किसने बनाया, सारे भूपेंद्र ने। और ये जो IMT किसने बनाया, भूपेंद्र ने। ये ट्रेन कौन ले आया, भूपेंद्र ले आया। ये नोएडा जैसे जो ना जो वो छे लाइन के जो ना ये बाईपास काट रखे और ब्रिज बना रखे, ये किसने करे, ये भूपेंद्र ने करे। ये जो भी काम कर रखा है ना इधर, वो सारा भूपेंद्र द्वारा हो रहा है। इन तक कुछ भी ना करे आ करके, सिर्फ लूटी है जनता को बुरी तरह से।